नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं XSS वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी भी कहा जाता है। CSS भी बोलते हैं, XSS भी बोलते हैं, चीज वही है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने कभी HTML में वेबसाइट बनाई है तो वहां पर एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। यहां पर थोड़ा हल्का डेप्थ में जाऊंगा, वैसे मैं ज्यादा डेप्थ में जाता नहीं, लेकिन आज थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे। तो आप जब वो कोड डालते हैं तो उसमें आप क्लोजिंग टैग भी डालते हैं, ओपनिंग टैग डालते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कई लोग प्रोग्रामर, जो ओपनिंग टैग ही रखते हैं, क्लोजिंग टैग डालते ही नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद वाले जितने भी कोड्स होते हैं वो उसके अंदर में आते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड कर लेता है, राइट? अगर आप बॉडी टैग को शुरू करते हैं और बॉडी टैग आपने क्लोज ही नहीं किया तो वो सारा नीचे का जितना भी है वो बॉडी टैग में आ जाएगा, राइट? फिर उसको करेक्ट करने के लिए मशीन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज के सबसे लास्ट में बॉडी लगा देती है, तो उसके बीच में जो चीज़ होती है वो सारी बॉडी में इंक्लूड होती है, राइट? ऐसे ही कोड में प्रॉब्लम होने की वजह से ये वल्नरेबिलिटी आती है। इसके साथ क्या होता है, आपको पता है वेबसाइट में अगर कोई डेटा आपको देना है, कुछ इनपुट देना है, तो आप कैसे देख सकते हैं? इमेज अपलोड कर सकते हैं, राइट? यूजर नेम पासवर्ड देना है तो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? लिखने की जगह होती है जहां पर आप चीज़ें लिखते हैं, एंटर मारते हैं, वो वेबसाइट में चली जाती है, प्रोसेस होकर रिटर्न दिखता है कुछ, या तो वो अंदर स्टोर हो जाता है, राइट? यहां पर PHP और MySQL डेटाबेसिस के काम हो रहे हैं। तो इस कमी में क्या होता है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे ना, कोई आप कमेंट लिखते हो तो नॉर्मल कमेंट लिखते हो ना, तो वो एज ए कमेंट, एज ए टेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है। लेकिन जिस वेबसाइट में XSS वल्नरेबिलिटी होती है, वो टेक्स्ट की जगह पर कमेंट में या किसी फॉर्म में आप कुछ लिखते हैं, वहां अगर आप कोई कोड डाल दें तो वो भी उस वेबसाइट में एग्जीक्यूट हो जाता है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी हैजल हो सकता है इसमें, तो भाई बहुत परेशानी वाली बात है। तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी प्रोसेस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक गेस्ट बुक में गया जहां पर एक वेबसाइट के बारे में आप कमेंट लिख के बता सकते हैं कि वेबसाइट आपको कैसी लगी। उस वेबसाइट पर मैं नॉर्मल यूजर कोई जाएगा, वो लिखेगा वेरी नाइस वेबसाइट, एंटर, कमेंट पोस्ट हो गया। उस साइट में XSS वल्नरेबिलिटी है। अब एक हैकर जाएगा, वहां पर जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट कुछ भी करके जावास्क्रिप्ट डालेगा, एक एंटर मार देगा, तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी उस वेब पेज पे, या उस करंट सेशन पे, या उस वेबसाइट पे, पूरी वेबसाइट पे, या किसी पर्टिकुलर URL पे। परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट दोनों होती है। परसिस्टेंट में क्या होता है, वो हमेशा के लिए रहती है, नॉन परसिस्टेंट में थोड़े टाइम के लिए रहती है। तो ये डिपेंड करता है करंट सेशन पे या टोटल वेबसाइट पे अटैक करना है, ये अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। अब जावास्क्रिप्ट जहां पर रन कर गई, किसी की दूसरी वेबसाइट, किसी वेबसाइट के थ्रू किसी दूसरे के सिस्टम में आपने जावास्क्रिप्ट रन करा दी जो आप कराना चाहते हैं, तो उस सिस्टम को आप कॉम्प्रोमाइज्ड कह सकते हैं, वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की एक खासियत होती है कि वो कुकीज के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और जैसे कि आप जानते हैं कुकीज में हमारे सेव्ड पासवर्ड होते हैं, वो किसी दूसरे के वेब पेज को रीडायरेक्ट कर सकता है किसी दूसरे पेज पर। तो उससे और क्या अटैक किया जा सकता है, फिशिंग अटैक। फेसबुक खोला हुआ है किसी ने, XSS वल्नरेबिलिटी है मान के चलो फेसबुक पे, या फेसबुक का मैंने एग्जांपल गलत दे दिया, होगी नहीं उसमें, लेकिन बाय चांस अगर हो भी गई तो दूसरा पेज खुल जाएगा जो फेसबुक जैसा दिखेगा। तो यूजर ने फेसबुक डाला है, वो बार बार थोड़ी URL पर ध्यान देगा, वहां डिटेल्स डाल देगा, कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और इसमें एडवांस्ड अटैक किए जाते हैं। ये होता है XSS वल्नरेबिलिटी या XSS अटैक। अब मुझसे लोग पूछेंगे, सर ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया कि आप यूजर कुछ भी फॉर्म में डालेंगे तो वो कमेंट जैसा प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन वो कमेंट जैसा प्रोसेस नहीं होता, वो कोड की तरह एग्जीक्यूट हो जाता है किसी भी वेबसाइट पे। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप हमें करके बताइए। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ध्यान दें कि ये बिगिनर्स के लिए है, शुरुआती दौर है, XSS में आपको पता तो होना चाहिए क्या चीज है, तभी तो आगे सीखोगे। अब आप मुझसे कहेंगे, अगर कोई बच्चा कहेगा सर मुझे पोएम पढ़ना सिखा दो, लेकिन उस बच्चे को ABCD नहीं आती, मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है मैं ये लाइन तो तुम्हें बता देता हूँ दिल रखने के लिए, लेकिन बेटा अगर पोएम्स खुद से पढ़ना चाहते हो तो ABCD पढ़ लो, उसको यूँ तुम्हें याद होना चाहिए। XSS के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट और HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, W3 Schools करके एक वेबसाइट है, वहाँ से जाइए, जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखिए और फिर और अच्छे से आप XSS के बारे में जान पाएंगे। फिलहाल मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा बता देता हूं, चलिए देखिए इस एग्जांपल को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा XSS वल्नरेबिलिटी के बारे में, CSS भी बोला जाता है इसको। तो जैसे ये नॉर्मल मैं आपको एक डेमो दिखा दूं यहां पर,
क्योंकि कई बार मेरे बोलने पर लोगों को समझ नहीं आता है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग प्रैक्टिकल की डिमांड करते हैं। तो बिगिनर्स के लिए एज अ समझने के लिए आपको मैं बता दूँ, इसी सिद्धांत पर जितने भी अटैक्स होते हैं XSS वाले वो काम करते हैं। तो आप बेसिक समझ जाएंगे तो आगे आप अपने आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं गेस्ट बुक खुली हुई है और ये XSS वल्नरेबिलिटी से ग्रसित है। यहाँ पर हम इसको हैक करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जावास्क्रिप्ट जहाँ पर रन कर सकती है, जहाँ पर आप अपनी मनचाही जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं वेब पेज में, वहाँ पर आप लोगों की कुकीज़ के साथ भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। आप उन्हें कहीं रीडायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसी जगह रीडायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ से फिशिंग वगैरह की जा सकती है। तो जो साइबर वर्ल्ड में अगर कोई जावास्क्रिप्ट आप किसी के सिस्टम में रन करा देते हैं तो उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल कोड ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोड इंजेक्ट करना है तो कहाँ इंजेक्ट करेंगे। वेब पेजेस में अगर हमें अपना रिस्पॉन्स देना होता है तो जाहिर सी बात है कि वह हम फॉर्म से देते हैं, यूज़र आईडी वाला फॉर्म हो या कमेंट लिखने वाला फॉर्म हो। यहाँ पर हम कमेंट लिखने वाले फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं डेमो दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर कमेंट लिखूंगा तो मैं जैसे हेलो लिखूंगा, यहाँ पर एंटर कर दूंगा और यहाँ पर ऐड मैसेज कर दूंगा। तो यहाँ पर एनोनिमस यूज़र्स हेलो लिखाया, राइट। तो अगर मैं बी कर दूँ, मतलब जो आपको थोड़ी HTML वगैरह भी आनी चाहिए, तो हेलो लिख दूँ मैं यहाँ पर और बी क्लोज कर दूँ इसका। अब इसको मैं कर दूं यहाँ तो ये बोल्ड से लिख जाएगा, मतलब HTML स्क्रिप्ट काम कर रही है। लेकिन कई फॉरम्स में क्या होता है कि ये जो छोटे मोटे बी बोल्ड वाले टैग होते हैं, स्माइलीज वगैरह होते हैं, ये सब अलाउड होते हैं। इसको थोड़ा सा और इंटेंस ले जाते हैं हम। यहाँ पर हम बॉडी लिख देते हैं, BG कलर कर देते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम रेड कर देते हैं और इसको मैं ऐसे क्लोज़ कर देते हैं। अब फिर इसको एंटर मार के देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी का कलर रेड हो गया। मतलब जो हम कोड इस वेब पेज पर डाल रहे हैं ये वेब पेज के ओरिजिनल कोड के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है। मतलब इस वेबसाइट में ये कमी है कि कमेंट में जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है हम डालते हैं, तो ये वेबसाइट उसको एक कोड समझ लेती है और अपने आप में शामिल कर लेती है। नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट को दो तरह के अटैक होते हैं। नॉन परसिस्टेंट में करंट सेशन के साथ खेला जाता है और परसिस्टेंट में आप वेबसाइट के अंदर डाल ही देते हैं। कई बार तो परमानेंटली भी आप कोई कोड इंजेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू या और किसी की चीज़ के भी थ्रू। तो यहाँ पर ये तो हमने कलर चेंज कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये XSS से वल्नरेबल है। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अलर्ट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो स्क्रिप्ट अलर्ट, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट या जो भी आप स्क्रिप्ट डालते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और लिख सकते हैं, योर वेबसाइट इज़ गॉन। अब इसको लिखेंगे और यहाँ पर मैं ऐड मैसेज करूँगा तो ये जो वेब पेज है इसको एज ए मैसेज नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगा है और यहाँ पर हम जो भी चीज़ डालेंगे ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम ऐड मैसेज करेंगे, देखो योर वेबसाइट इज़ गॉन, अलर्ट आ गया। मतलब इसमें जावा स्क्रिप्ट और सारी स्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो रही हैं। ये होती है XSS वल्नरेबिलिटी। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूं। अगर आप इथिकल हैकिंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो मैंने कुछ 299 के दुनिया का सबसे सस्ता इथिकल हैकिंग कोर्स लॉन्च किया है, जो आप कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और हैकिंग की दुनिया में अपनी बुनियाद रख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।